है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। उसी का है ये। और जा रहे हैं आज हम लखनऊ। बने रहिए हमारे साथ में ब्लॉग में, और जैसा भी होता है आपको हम आगे से आगे दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हैं और हमें अभी मैंने इंटरव्यू दिया है भैया के चैनल पे, जाके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो मैम आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम फराह खान है और मैं कारमाइन डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, इतना अच्छा है तो हम निकल पड़े हैं और आप लोगों को किसी से मिलवाने के लिए। और मैं तो भी बनी रहिएगा, है ना? और वहां पे हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब शॉर्ट अपनी स्टोरी भी रिकॉर्ड करेंगे। सुबह से निकल रहे हैं, बस जल्दी से पहुंच जाए क्योंकि टाइम लगेगा जाने में भी। और अनिका को नहीं लेके जा रहे, जैसे आप लोगों ने देखा ही है। तो अभी प्लीज एंड तक बने रहना। ओके okay. गाइस, हम जा तो रहे थे कहीं और अचानक से मतलब भाई प्लान चेंज हो गया। प्लान क्यों चेंज हुआ? क्योंकि भैया को इंटरव्यू लेना था और जिनका इंटरव्यू वो लेना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनका कॉल आ गया और बोले कि प्लीज़ आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो भैया ने कहा चलो फिर हम इंटरव्यू भी ले लेते हैं। तो हम यहाँ इस टाइम पे लखनऊ में हैं और लोहिया पार्क के बाहर खड़े हुए हैं। वो यहीं पे आएंगी जिनका इंटरव्यू भैया लेने वाले हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम मिलूँगी, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो अभी बनी रही आप लोग। ये रहा लोहिया गेट, लोहिया पार्क का फर्स्ट वाला गेट है और हम यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। भैया वो रहे, भैया बात कर रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए। हम इधर आए थे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी छाँव भी है ना। चलिए अभी बने रहिए। तो मेरा कम से कम 4-5 सिटी में और डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई भी मेरा विज़न वापस नहीं ला पाया था और डॉक्टर महमूद रहमानी ने ट्रीटमेंट किया। तो मेरा 4 साल लगातार इलाज चला, उसमें किसी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था, किसी एनजीओस का कोई सपोर्ट नहीं था, किसी मतलब किसी अधिकारी का कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैं अकेले खड़ी रही, अकेले लड़ी। फैमिली भी मेरी बहुत मतलब शाय टाइप की है, तो वो भी उन्होंने मतलब इमोशनली सपोर्ट करा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। तो मैं खुद से लड़ी, मैंने खुद की काउंसलिंग की, खुद का ट्रीटमेंट कराया। वो उस टाइम आप सोचो बेड पर पड़े हो और आपको ये डिसीजन लेना है कि हमें क्या सर्जरी कराना है क्या नहीं। तो वो चीज़ें मतलब 4 साल मैंने खुद अकेले फेस की और खुद का काउंसलिंग खुद किया, खुद को कॉन्फिडेंस दिया। तो ऐसे करके मैंने 4 साल काटा, लेकिन लास्ट में समझिए ऐसा हो गया था कि और वो 24 रुपये का बन मतलब 1 किलो बनता था, मैं दिन भर में वो भी नहीं बना पाती थी क्योंकि मैं उस टाइम ब्लाइंड थी। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं काम करूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजरा है। और जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरी उस बीच में नानी की डेथ हो गई, पापा को हार्ट अटैक आ गया, मतलब इतना सारा फैमिली में भी प्रॉब्लम्स, मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम्स। तो बहुत मुश्किल था वहाँ से निकलना, प्लस किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि नियर जैसे मोहल्ले वाले होते हैं या फैमिली वाले होते हैं, फैमिली मतलब कजिन जो होते हैं, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं अपने आप से लड़के काउंसलिंग करके यहाँ तक आप सबके सामने पहुँचे जी। और उनका फिर क्या हुआ, एसिड फेंक के फिर उनके साथ कुछ एक्शन लिया गया फिर? हाँ जी, मैं एसिड जिस दिन ऐसे अटैक हुआ था 2011 को, उसी दिन मैं शाम में FIR हो गई थी, उसी नाइट में अरेस्ट हो गया था। बट 3.5 साल की सज़ा हुई थी, 4 साल केस चला था। तो आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि मैं सामने प्रूफ खड़ी हूँ, जज को फिर भी प्रूफ चाहिए होता है। तो वो चीज़ मुझे एक नहीं अच्छी लगी कि एक जो पीड़िता है वो आपके सामने खड़ी है और उसी पीड़िता को ही सारे प्रूफ देना है कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है या मेरे साथ क्राइम हुआ है। तो फैमिली, हम जहाँ पे आए थे अभी आप लोगों को बताया था कि भैया इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो वो मैम हमें अभी मैंने इंटरव्यू दिया है भैया के चैनल पर, जाके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो मैम आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम फराह खान है और मैं कारमाइन डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं 2016 से लखनऊ में रह रही हूँ, तो अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लखनऊ में रहते हुए।
और लखनऊ में मैं सोशल वर्क करती हूँ। और आपके चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब यूट्यूब पे मेरा फराह खान है और इंस्टाग्राम पे फरहा 905 है, तो वहाँ जाके आप लोग मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और चैनल वो यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैम के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं वो आपको उस पर जानकारी भी मिल जाएगी, बाकी भैया के चैनल पे मिल जाएगी। और मुझे मिलके मैम से बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं यूट्यूब पे भी हैं, तो किसी न किसी के साथ में कुछ कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसके वजह से ऐसा होता है। अब मैम से पूछेंगे मैम के साथ में ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसे अटैक का रीज़न तो बहुत सारे थे, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसा अटैक किसी अदर पर्सन ने नहीं, मेरे ऊपर के एक्स हस्बैंड ने किया था। तो वो था कि डोमेस्टिक वायलेंस था और वर्क नहीं करना, कॉल कल्स यूज़ करना, तो इस वजह से मैंने डिवोर्स लिया था। और डिवोर्स की वजह से ही मतलब आफ्टर डिवोर्स मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ था। तो मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है तो वो छुप के घर में बैठ जाते हैं, बाहर फेस नहीं कर पाते क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों को शर्म आती है बाहर निकलने में। लेकिन मैम को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ मैं, क्योंकि लोगों का जो मेरे साथ में भी हुआ है उससे लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, देखते हैं कि यार इनके साथ में ऐसा हुआ जब भी ये बाहर खुली हवा में घूम रही हैं, ऐसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। लेकिन मैम आप बताइए इसके बारे में कि हमें छुप के बैठना चाहिए कि हमें बाहर निकलना चाहिए? देखिए, गलती जब हमारी नहीं होती है तो हमें मुंह नहीं छुपाना चाहिए, गलती जिसने की है उसको मुंह छुपाना चाहिए। लेकिन वो खुला घूमते हैं और वो खुला घूमते हैं और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है और जो पीड़िता होती है उसको मतलब नहीं एक्सेप्ट करती है, तो वो हमारी सोसाइटी का एक वीक पॉइंट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को पीड़िता को पहले सपोर्ट करना चाहिए और जो क्रिमिनल होता है उसको अरेस्ट करवाने में हेल्प करनी चाहिए। सही बात है। तो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी मोटिवेट हुई हूँ। और आप लोग प्लीज़ जाके एक बार चैनल पे जाके विजिट ज़रूर करना और मैम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जो पेन उन्होंने झेला है ना वो वही समझ सकती है और जिन्होंने झेला होगा वही समझ सकते हैं। बाकी तो बहुत लोग तो मजाक बनाने आ जाते हैं कि हाँ और बहुत कुछ बोलते हैं, तो एक बार जाके और YouTube पे Instagram पे जाके देखिएगा ज़रूर और फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके, मिलते हो फिर अभी। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। उस बार आया था तो समय नहीं मिल पाया, फिर चला गया मैं गाजीपुर से वाराणसी के पास से, यहाँ 350 किलोमीटर दूर। तो आज एक हफ्ता से आया हूँ इधर घूम घूम के, खराब हो एक दो लोग इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी आज आपसे कर लिया एक दो लोग का और आज मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, इसके लिए सॉरी। नहीं हाँ, उस दिन भी भैया कह रहे थे तो हमने कहा चलो आज ही कर, मौसम सही था ना हमारी तरफ का सीतापुर का और इधर धूप है, इधर तो बहुत गर्मी है। सुबह आज मौसम सही था, छाँव थी, तभी हमने कहा सही रहेगा। ठीक है, तो जाने दीजिए मेरे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे, थैंक यू, बाय। तो मैम जा रही हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ज़्यादा मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि वही चीज़ें सेम रिपीट करवाना भी तकलीफदायक होती है, क्योंकि जब हमसे कोई बार बार कमेंट करके पूछता है कि आपके साथ में क्या हुआ क्या नहीं, तो हम बार बार वो चीज़ें रिपीट करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो सारा कुछ भैया को मतलब इंटरव्यू दे चुकी थी मैम, तो मैंने थोड़ा सा ही आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दी है, तो बाकी आप भैया के चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और बाकी अब हम यहाँ रुकेंगे तो मिलना जुलना हो गया ही, नंबर भी शेयरिंग हो गया है। और सच में किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उनके हस्बैंड ने ऐसा किया तो सोचने वाली बात होती है। जिनके साथ में हम साथ फेरे लेते हैं, साथ वचन निभाते हैं, वही ऐसा काम कर जाएँ तो हमें दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे, है ना। लेकिन सब अपनी अपनी सोच है और वही सारी चीज़ें हैं। चलिए, मिलके अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा बोलती हैं और हिम्मत बहुत ज़्यादा है उनमें। दुनिया में बहुत गम है, मेरा आज गम लगा कि बहुत ही कम है, क्योंकि जो दर्द जो पेन मैम ने झेला है ना उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक दिन उन्होंने बताया है। भैया कितनी बताए थे, कितनी बार सर्जरी हो चुकी है? 40 बार उनकी सर्जरी हो चुकी है, तो अभी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करिए।
बहुत तेज से प्यास लगी थी। हम आम पना पीने जा रहे हैं, मैम अभी जा चुकी हैं, तो अब हम लोग जा रहे थे वापस, और भी हमें कहीं जाना है और उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से काम करेंगे, है ना। और यहाँ पे पी लेते हैं क्योंकि इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है कि कुछ कहने को नहीं। बैठने लायक है।